अगर सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पोस्ट ऑफिस ने 40,000 पदों पर बंपर नौकरियां निकाली है। ये नौकरियां ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के लिए है, जिस पर 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। इन नौकरियों के लिए आप 16 फरवरी से पहले इस वेबसाइट के जरिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इन नौकरियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल तक तय की गई है। अगर इन्वेस्टमेंट कर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए IDBI बैंक अच्छा ऑफर लेकर आया है। IDBI अपने ग्राहकों को FD पर 8% का जोरदार ब्याज दे रहा है। आम ग्राहक 700 दिनों की FD पर 7.25% की दर से ब्याज पा सकते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन को 8% का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। नई ब्याज की दरें 13 फरवरी 2023 से प्रभावी हो गई है। वैलेंटाइन के मौके पर सोने के भाव काफी नीचे आ गए हैं। लगातार दूसरे दिन सोने का भाव गिर गया है, जबकि चांदी के दाम अब भी तेजी में है। 10 ग्राम का 24 कैरेट सोना 57,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है, जबकि 916 शुद्धता वाला सोने का भाव 52,235 रुपए के स्तर पर है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 66,000 रुपए है। अगर आपके पास देसी गाय है तो आपके पास 51,000 रुपए जीतने का शानदार मौका है, लेकिन इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। मध्य प्रदेश सरकार गोपाल पुरस्कार योजना के तहत सबसे अधिक दूध देने वाली गाय को 51,000 रुपए का पुरस्कार देगी। दूसरा स्थान आने पर 21,000 और तीसरे स्थान वाले को 11,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बस शर्त ये है कि गाय देसी होनी चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी आप फ्री में राशन ले सकेंगे। यूपी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। यूपी सरकार फैमिली आईडी कार्ड लेकर आई है, जिसके आधार पर मुफ्त राशन मिल सकेंगे। आज ही आप इस वेबसाइट पर जाकर तुरंत ही फैमिली आईडी बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। सरकार ने इंश्योरेंस पर तगड़ा टैक्स लगा दिया है। वैसे तो सरकार ने 5,00,000 रुपए से कम के सालाना प्रीमियम वाले इंश्योरेंस को टैक्स फ्री रखा है, लेकिन इससे ज्यादा के सालाना प्रीमियम वाले इंश्योरेंस पर टैक्स लग सकता है।